सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। ऑडिटोरियम में बैठे आम सभी संगीत के चाहने वालों का स्वर्धा कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स की ओर से तहदिल के साथ स्वागत है। आज ये बेहतरीन शाम सजने वाली है हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री ज़ीनत अमान इनकिशान में, उनकी उपस्थिति में आज का ये कंसेप्ट बनाया है श्री विद्याधर इन्होंने और इस शो के ऑर्गेनाइजर हैं शैलेश पेठे जी। मैं हमारे तमाम एसोसिएट स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ तहदिल के साथ। रोजमर्क लिमिटेड, ऑप्शन द फैशन मॉल, क्राउन फूड्स, कैटलिस्ट वेल्थ, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, कोको मेल्ट्स, रिस्टाल सिरामिक लिमिटेड एंड ऑलिविटा गोल्ड। लीजिए शुरू हो रही है आज की शाम स्वर्धा कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स प्रेजेंट्स दम मारो दम।
बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज ये पहले रो से आखिरी रो तक जो श्रोताओं की मौजूदगी यहाँ पर हासिल हुई है, मैं आप सभी का तहदिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ स्वर्धा की ओर से, क्योंकि आज की शाम सजी हुई है उस महान नायिका के नाम जिन्होंने अपने अदाओं से जो है हमारे दिलों को हमेशा धड़काया है, हमें जवान रखा है। बस अब बारी है तो उनके यहाँ आने की। जी हाँ, मैं मंच पर दावत देने जा रहा हूँ बड़े आन बान और शान के साथ, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का वो सितारा जो आज तक जो है चमक रहा है बॉलीवुड के आसमान पर, और आज फिर से इस महफिल की शान बनने के लिए तैयार हैं। है बादे सवा कुछ तुमने सुना, मेहमान जो आने वाला है, कलियां न बिछाना राहों पर, हम पलके बिछाए बैठे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल चार्मिंग चैलेंजर्स एक्ट्रेस वन एंड ओनली ज़ीनत अमा। गालों पे तिल है कातिल, आंखें तेरी पैमाने, ओठ तेरे अंगूरी, जो देखे हो जाए दीवाने। आप ही पर फिल्माए गए गाने का ये लाइनें थी जो मैंने आपके खातिर कही हैं। वाकई में आज आपके आने से ये शाम और भी खूबसूरत लग रही है। वेलकम, खुशामदीद, आप सबका आपका दिल से जो है इस्तकबाल है आज की शाम में जो सजी हुई है आप पर फिल्माए गए बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल वेलकम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले यहाँ पर आदरणीय ज़ीनत अमा जी का यहाँ पर सम्मान हम करना चाहते हैं, और इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे भारतीय जनता के प्रतिनिधि एडवोकेट आशीष शेलार जी, जो कि विधायक हैं, BCCI के जो है ट्रेजरर हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बिग सपोर्टर, कला के रसिक। मैं आशीष जी को माइक्रोफोन दे रहा हूं। अब चिंता न करें, मैं गाने वाला नहीं हूं। ज़ीनत जी का यहाँ पर हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं, और आयोजकों ने मुझे कहा कि आप इनका सम्मान करने आइए, तो मैंने आयोजकों को कहा कि मैं ज़ीनत जी का सम्मान करने नहीं आया हूँ, मैं आने से ज़ीनत जी यहाँ है इसके कारण मेरा सम्मान होने वाला है। हम सब उनके गाने यहाँ सुनने वाले भी हैं। ये पूरी शाम उन्होंने अब तक 80 से भी ज़्यादा फिल्में जो की है उसमें से गिने चुने फिल्मों के गाने शायद ये 2-2.5 घंटे में बजा सकते हैं, लेकिन एक गानों की या उनके ऊपर फिल्माए गए वो उस फिल्मों की अगर वैरायटी देखे तो आज हम लोग जिस कार्यक्रम में मिले उसका नाम है दम मारो दम। तो दम मारो दम से लेकर आप हमको सिखाती है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी प्रक्रिया में हर जगह हमको ज़ीनत जी दिखती है। और मेरे जैसे उम्र के बहुत सारे लोग हैं, अभी अपने अपने पत्नियों के साथ आए इसके लिए ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि बहुत आपकी फिल्में देख कर ही हमारी जवानी, हमारे कॉलेज के दिन गुजरे हैं, और इसके लिए आज भी आपके बाजू में खड़े होते हैं तो थोड़ा कॉलर टाइट हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल, ये आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। ज़ीनत जी बैठिए। आज वाकई में यहाँ पर बैठे सभी के लोग, सभी लोगों के दिल धड़क रहे हैं आपको देखकर, इतनी ताकत जो है आपके वजूद में है। एंड ऑफ कोर्स आज हम बातें करने वाले हैं
उन तमाम गीतों के जो आप पर फिल्माए गए हैं, क्योंकि आज हमने बहुत ही खूबसूरत गीत आपके खाते चुने, जितने खूबसूरत आप हैं उतने खूबसूरत आप पर फिल्माए गए गीत हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ दम मारो दम से लेकर जो है अब तक ये चल रहा है, तो एक मज़ेदार कारवां है। और आज आपकी पूरी जानकारी जो है हमारे लोगों को तमाम हासिल हैं, जितने भी आप अपने बारे में नहीं जानते होंगे उतने लोग आपके बारे में जानते हैं। तो ये कमाल है इनका और इनके अभिनय का। आज हम बातें करेंगे उन तमाम गीतों की। जीनत जी, अभी अभी एक गाना जो लता जी का गाया हुआ सत्यम शिवम सुंदरम से पेश हुआ, हमारी गायिका जो कि एक वेल नोन इंडस्ट्री की सिंगर हैं आशा जी और लता जी की गायें इन गीतों को इतने खूबसूरत अंदाज के साथ पेश करती हैं कि हम खो जाते हैं। विनायक, why don't you get a chair? अच्छा भाई, एक कुर्सी हो तो प्लीज़। ये आपने मेरा ख्याल रखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्लीज़ कोई चेयर हो तो, थैंक यू। ये तो जीना जी, हमने भोर भाई पनगट से तो शुरू की हैं, लेकिन उसके बाद जो हैं आपके फिल्मों का सिलसिला जो शुरू हुआ, हालांकि हलचल पहली रही, फिर उसके बाद आपने कोई एक इंग्लिश फिल्म भी की थी इविल विदिन ऐसे कुछ नाम की, एंड देवानंद साहब के साथ तो आपका बहुत बड़ा रابطہ रहा है, बहुत सारी फिल्में आपने की हैं। लेकिन इसके बाद जो हम गाना पेश करने वाले हैं, इसके लिए आप गिटार गर्ल करके फेमस हो गई थी। हर पोस्टर पर आप गिटार लेकर ऐसे बैठी हुई हैं और एक स्टाइल था उस जमाने में आपका। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट फिल्म यादों की बारात। नासिर हुसैन साहब जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, तो बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर थे। उनकी सारी फिल्में बहुत बड़ी हिट रह चुकी थी, गोल्डन जूबली, सिल्वर जूबली, दे ऑल डिड वेरी वेल। तो ये जो गाना उन्होंने चुना मेरे लिए, इत्तेफाक से इट बिकेम ए ह्यूज सक्सेस। जी, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? ये गाना जो गाया था आशा जी एंड रफी साहब ने, ये डुएट है, और पंचम दा का संगीत बिल्कुल, और जहाँ पर आपने गिटार बजाई थी वो भूपेंद्र सिंह साहब ने बजाई थी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन इस गीत में रहा है, शायद आप जानते भी नहीं होंगे। नहीं, फिल्म मेकिंग तो हमेशा टीम वर्क ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो वन पर्सन कैन टेक द क्रेडिट, इट्स अ कलेक्टिव कॉम्बिनेशन। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो क्या ये गाना सुनाया जाए? बिल्कुल, मैं फिर एक बार आपके जोरदार तालियों के गूंज में शैलजा सुब्रमण्यम जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर पधारे। शैलजा जी, जिनके आवाज से ही आज की इस शाम की शुरुआत हुई है, और उनका इस गीत में साथ देने वाले हैं धवल चांदवड़कर जी, हमारे मुंबई के एक और बहुत ही बेहतरीन हैंडसम पर्सनैलिटी एंड वेरी मेलोडियस वॉइस। तो फिर से ग्लास टकराया जाने चाहिए। आई यू जस्ट एक्ट, हम पीछे बजाएंगे। I'm
तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हसी लबों की लाली को है बपा क्या इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया है तूने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम ले लिया दिल है मेरा दिल हाय दिल ले कर मुझको ना बहलाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं बिल्कुल हम तो बैठे बैठे विजुलाइज कर रहे थे वो जीनत जो गले में ऐसा कुछ रिबन बांधा हुआ एंड ब्लैक कुछ ऐसे नो नो दे वर वाइट क्यूलॉट वाइट देखिए जाते दे वर वाइट क्यूलॉट्स और इसके इससे पहले जो सीन शूट हुआ था उसमें कुछ पिंक सलवार कमीज और ब्लू बोलेरो वेलवेट वाला पहना हुआ था जो बिल्कुल मेरा स्टाइल था नहीं और मुझे सूट भी नहीं किया तो सीन शूट करते वक्त हम सबको लगा नासिर साहब को मुझे कि दिस इज़ नॉट वेरी नाइस लुकिंग फॉर द सॉन्ग तो फिर आई रिक्वेस्टेड हिम सजेस्टेड आई वेयर द क्यूलॉट्स लीव माय हेयर ओपन और सो जबरदस्त सवाल ही नहीं एक खासियत और रही है आपकी आपने ज़्यादातर फिल्में जो की हैं वो एक्टर एंड डायरेक्टर इनके साथ जी जी बिल्कुल मतलब इसका सिलसिला ही शुरू होता है देव साहब के साथ देव साहब राज जी मनोज जी फिरोज खान संजय खान अमजद खान शमी कपूर या जॉय मुखर्जी जितने भी एक्टर्स हु वर डायरेक्टर्स उन सब के साथ मैंने काम किया तो ये कोइंसिडेंस कैसे हुआ ये मैं शायद अच्छी लगी उन लोगों को वो तो सवाल ही नहीं है मैं भी यही बैठे बैठे हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम दूर से ही आपको ताकते रहें बस यूं ही वक्त काटते रहें कभी चांद समझकर तो कभी चांदनी हमने देखा है आपको बड़े तहजीब से पर सोचा नहीं था कि आज आपके दीदार होंगे इतने करीब से तो ये हम सभी का सौभाग्य है आज आपका कीमती समय आज की शाम को मिला है और आप तो जानती हैं कि रोजाना जीवन में हर कोई बिजी रहता है हम सभी बिजी हैं आप भी बिजी आजकल आपने बहुत बड़े प्यारी एक ऐड भी की है तीन जनरेशन को लीड भी किया है उसमें और वेब सीरीज पे भी आप काम कर रही हैं लेकिन ये सब करते करते एक फैमिली भी देखनी पड़ती है किसी को समय भी देना पड़ता है और नौकरी धंधा भी संभालना पड़ता है तो ऐसा एक गाना मुझे याद आ रहा है वर्मा मलिक साहब का लिखा फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से जिसमें आप सारी पे थी और सारी पे आपको बहुत लोगों ने यहां पर पसंद किया होगा तालियां बनती है यार सो आज ये तालियों की बारिश है सुरों की बारिश है और कुछ यादें जो आपके जहन में आ रही हैं वो कह दीजिए रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत के लिए जो आप बारिश में भीग रही हैं हाय हाय ये मजबूरी और बारिश ये मौसम और ये दूरी चलिए गाना सुनाते हैं हम आपको मैं फिर एक बार शैलजा जी से गुजारिश करूंगा हाँ ये सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान से इस गीत को I'm
थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच शैलजा जी. एक्टर एंड डायरेक्टर्स की बात चल रही थी तो हम एक नाम भूल गए थे, वहीं उन्होंने बताया कि ओपी रल्लन साहब, जिनके साथ आपकी पहली फिल्म बनी थी हलचल, क्योंकि वो चाहती हैं कि सभी का नाम मेरे होठों पे रहना चाहिए आखिर तक क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व थे आपके करियर में. ये जो लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि देव साहब, एक रिवर्स आपने एक किया था चमत्कार, जो देव साहब की बहन बनी पहली और बाद में आप उनकी महबूबा बनी, फिर इश्क इश्क हो या वारंट हो या और भी कई फिल्में जो की आपने देव साहब के साथ. तो आई वॉन्ट टू नो, वी वॉन्ट टू नो अबाउट देव साहब फ्रॉम यू. देव साहब इज अ लेजेंड, ही इज अ डायनेमो. एंड उन्होंने जब मुझे साइन किया था बहन के रोल में, उस वक्त हमें पता नहीं था कि हरे कृष्णा वॉज गोइंग टू बी सच अ बिग हिट और म्यूज़िक लोगों को इतना पसंद आएगा. तो मैं इंडिया से बाहर जा रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स यूरोप में सेटल होने वाले थे इन माल्टा. तो जब मेरी मुलाकात हुई देव साहब से तो उन्होंने कहा कि शूटिंग कर लो, फिर रुक जाओ, रिलीज़ होने के बाद फैसला लेना. तो बहुत जल्दी फिल्म बनी काठमांडू में, रिलीज़ भी हुई, हिट हुई और उन्होंने अपनी दूसरी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर लिया, हीरा पन्ना. फिर बोले नहीं रुक जाओ, आई थिंक यू मे हैव अ करियर हियर. तो मैं रुक गई एंड 52-53 इयर्स लेटर वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट. फिर वो रुके, फिर एक और फिल्म बनाई, फिर आपको रुकाया, फिर एक और फिल्म बनाई, ये सिलसिला चालू रहा. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से मेरी करियर शुरू हुई और फिर यादों की बारात हिट हो गई एंड फिर देन देयर वाज दोस्ताना, कुर्बानी, डॉन, लावारिस, यू नो, एक के बाद एक ऑल दीज फिल्म्स केम. तो लगातार 15-16 साल मैंने बैक टू बैक फिल्मों में काम किया. बिल्कुल, दो दो शिफ्ट आप, मैंने सुना है कि काम कर रही थी, दो दो शिफ्ट मतलब सुबह से लेके. जी, उस वक्त चलता था. हाँ. सुबह 7 बजे वहाँ सेट पे पहुँचते थे, 2 बजे निकल के दूसरे सेट पे चले जाते थे और 10 बजे वहाँ पैकअप होता था. लेकिन ऐसे कभी होता था कि जैसे शशि जी और मैं 2 फिल्में कर रहे थे, दोनों के शिफ्ट चल रहे थे, एक सेट पे हम लोग कोई और थे, दूसरे सेट पे हम लोग कोई और थे, कभी कभार पूरा कंफ्यूजन हो जाता था कि कोई शीला, कोई यू नो राजू, कोई ओ माय गॉड व्हाट इज योर नेम इन दिस मूवी, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. अच्छा, अब ये बारिश वाला गाना था ना, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू. ये जो बारिश की सीक्वेंसेस हम लोग करते थे ना, ये वाटरफॉल की सीक्वेंस, चाहे अजनबी हो, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो, लोगों को पता नहीं कि इतने फोर्स से पानी गिरता है और शूटिंग जो चलती है 2-3 दिन तक लगातार चलती है, उसके बाद सर्दी, जुकाम और पूरा शोल्डर्स एंड बॉडी दर्द, क्योंकि पूरा बहुत पावरफुल रहता है पानी. सो यू नो व्हेन पीपल सी इट, दे से ओ इट्स लवली, इट्स प्रिटी, इट्स सेक्सी, बट नॉट फॉर द आर्टिस्ट. जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहनत, वही मेहनत होती है आर्टिस्ट की कि बिल्कुल बारिश में भीग रहे हैं, भले बुखार हो लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम पूरा कर रहा है, एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है कि वी आर रियली एंजॉय. और आपको देखकर ही जो है नई जीने की उम्मीद लोगों में जागी रही और रोमांस जो है उनके दिलों में पैदा हुआ, ये कौशल्य आपके एक्ट में रहा है. हम अभी आपको सुना रहे गाना फिल्म हीरा पन्ना से, एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शैलजा जी तो हैं यहाँ पर, एक हमारे गोवा के एक बड़े प्यारे जो हैं गायक हैं और गोवा से आए हैं, इसके लिए उनके गले में एक नशा भी है अलग से. तो मैं चाहूँगा सुधाकर शानबाग साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो. की तमन्ना है
तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मत भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ तेरे खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, वो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। भूलाना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ही काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ही काम तो नहीं मेरा नाम, बातों से ये जख्म जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, वो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ इलो दरारा दू, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिस फिल्म के लिए आपका नाम मेरे ख्याल से पहली बार नॉमिनेट हुआ बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड के लिए, कहाँ हरे रामा हरे कृष्णा की जनित और कहाँ एक गांव की छोरी जो कि मेनली जो है वेस्टर्न ख्यालों की वेस्टर्न कल्चर की कॉन्वेंट में पढ़ी, उसके बाद एक गाँव की गोरी रूपा बनती हैं, वो भी उसका आधा फेस जो है जला हुआ है। तो एक ऐसी भूमिका आपको मिली आपके करियर में और ये यादगार भूमिका रही। ऑफ कोर्स द फिल्म आर के प्रोडक्शंस द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब, कुछ यादें आपके जहन में आई होगी जरूर कहिए। मेरे लिए उस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैं एक्सेप्ट हो चुकी एज अ स्टार वेस्टर्न इमेज के साथ, तो सचमुच इट वॉज अ चैलेंज। और मैं राजी के साथ एज अ को स्टार काम कर रही थी और जब इन्होंने यू नो बीच शॉर्ट्स के बीच में बताया अपने रूपा के बारे में तो मैं बहुत फैसिनेटेड थी और मुझे ये जिद हो गई कि आई वॉन्ट टू डू दिस फिल्म। तो इट्स अ वेरी वेल नोन स्टोरी के हाउ आई गॉट द फिल्म एंड इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी एंड फॉर हिम। जी
बट इससे पहले आपने हीरा पन्ना के बारे में कुछ पूछा नहीं, आप भूल गए. मैंने देव साहब के बारे में नहीं, नहीं, नहीं. क्योंकि क्या हुआ ना, हरिराम हरे कृष्ण में मैं एज अ सिस्टर एक्सेप्ट हो चुकी थी, तो हीरा पन्ना में आई कुड नॉट इमीडिएटली बिकम हिज गर्लफ्रेंड, हो ही नहीं सकता था, बहन से गर्लफ्रेंड कैसे बन गई. तो फिर उन्होंने राखी जी को लिया था, तो मैं राखी जी की बहन थी, तो मैं उनकी गर्लफ्रेंड की बहन थी, तो ये ऑडियंसेस को शायद उनको लगा कि ठीक लगेगा. लेकिन वो हीरा थे और मैं पन्ना थी, तो देव साहब बहुत स्मार्ट थे, तो पहले बहन बनाया मुझे, फिर अपनी माशुका की बहन बनाया मुझे, और फिर इश्क इश्क में आई बिकेम हिज हीरोइन. चलो, दिस वाज अबाउट हीरा पन्ना. हीरा पन्ना. चलिए चलिए, फिर से मैं आ जाता हूँ कि इस फिल्म के लिए सत्यम शिवम सुंदरम. जी जी हाँ, जिसमें आपने बताया कि बहुत सारे किस्से आपने बताए, लेकिन आज हम फिर से सुनना चाहते हैं वो रूपा किस तरह से उन्होंने, आप किस तरह से राज कपूर साहब के पास गई. और अरे बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, आपको याद है, वंस मोर देखिए. एक स्टूडियो है एसएल स्टूडियो, वहाँ मैं शूटिंग कर रही थी, तो वहाँ मेरा पैकअप हो गया और रास्ते में आरके स्टूडियो पड़ता है. और इससे पहले मैं राजी के साथ एक फिल्म वकील बाबू में हम लोग साथ शूटिंग कर रहे थे, और वो हमेशा रूपा 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 इन बिटवीन शॉट्स इसके बारे में बोल रहे थे. तो मेरा पैकअप होने के बाद मैंने अपने आप को अपना वर्जन रूपा का, मतलब पूरा लंबे चोटी रख कर, टिश्यू पेपर लगा कर, मेकअप लगा कर, जला हुआ बनाकर, एक घघरा चोली पहनकर, मैं क्योंकि आई हैड टू क्रॉस आर के स्टूडियो ऑन द वे होम, तो मैं गई आर के स्टूडियो और मैंने वो एक उनका जहाँ बैठते थे वो उसे कॉटेज बोलते थे, तो आई वेंट टू द कॉटेज एंड ही हैड हिज मैन, मेन मैन जॉन. मैंने कहा जॉन प्लीज़ आप राजी से कह दो कि रूपा आई है मिलने. तो जॉन भी बौखला गया, बोले कौन रूपा आया आई है. सो ही वेंट एंड टोल्ड सर राजी कि रूपा आई है. राजी डिडंट नो हु दिस रूपा वाज. सो देन आई वॉक्ड इनटू द कॉटेज एंड आई सेड सर दिस इज माय वर्जन ऑफ योर रूपा. तो राजी को क्या अच्छा लगा, उनको लगा कि ये लड़की बहुत पैशनेट है इस काम के बारे में, इस रोल के लिए. तो बोली उस वक्त मैं काफ़ी जाने माने स्टार हो चुकी थी, तो उनको लगा कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी शी रियली वॉन्ट्स दिस वर्क. तो उन्होंने कृष्णा जी को फ़ोन किया, पता नहीं क्या बात हुई फ़ोन पे. तो कृष्णा जी थोड़ी देर के बाद कुछ गोल्ड गिनीज लेके आए और उन्होंने मुझे दिया, और दैट वाज माय साइनिंग फॉर सत्यम शिवम सुंदरम. वाह, ग्रेट. इसमें एक और यादें जो जुड़ी हुई हैं, भारत की स्वर सम्राज्ञी, भारत की कोयल, भारत रत्न लता मंगेशकर जी. ओ एब्सोल्युटली. एंड ऑफ कोर्स उनका गाया ये गीत जिससे हमेशा महफिलों की शुरुआत होती है, अक्सर ज़्यादातर शोज जितने भी होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो इसी गाने से इसकी शुरुआत होती है, जो पंडित नरेंद्र शर्मा जी का लिखा हुआ है. लता जी की कुछ यादें हैं आपके जहन में? उस वक्त मैं भी बहुत बिजी भी थी, एंड आई हैव नेवर बीन टू एनी ऑफ द रिकॉर्डिंग्स. जी नहीं, कभी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आना जाना नहीं होता था ज़्यादातर आप? बिल्कुल, इट्स अ डिफरेंट पार्ट है, वो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है. एक म्यूजिकल डिपार्टमेंट होता है, एक आपका. रिकॉर्डिंग्स में मेरा कभी जाना नहीं हुआ, और बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत गाने, चाहे लता जी हो चाहे आशा जी हो, कि सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सो ब्यूटिफुली संग, तो दे वर पिक्चराइज्ड ऑन मी. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए. थैंक यू सो मच जीनत जी. लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम से आइए सुनते हैं ये टाइटल गीत जिसे पेश कर रही हैं शैलजा सुब्रमण्यम जी, एंड साथ देने के लिए हमारे कोरस टीम. Thank you.
सत्यम
इट्स अ मिरेकल, इट्स अ जादू. और ये वंस मोर की अपील है, इसे हम ठुकरा नहीं सकते. जस्ट एक झलक फिर से इन सभी के लिए. आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल आवर ब्यूटीफुल सिंगर्स एंड आवर म्यूजिशियंस, यू नो, फॉर जस्ट मेकिंग दिस सो स्पेशल. थैंक यू सो मच. So beautifully sung. Thank you so much. Okay. देखिए बहुत सारे गाने हैं. We'll miss out on wonderful songs. So there'll be one more. Please. Yeah. Thank you. ये बात भी सही है क्योंकि अगला की गाना एक कोई कट नहीं होना चाहिए. देखिए जीनत जी, जैसे आपने जेनिथ से रूपा बनकर सारे हिंदुस्तान को चौंका दिया था, वैसे ही आज हम ऑडियंस को सत्यम शिवम सुंदरम के बाद चौंका देने वाले. बिकॉज ये फिल्म में आपका नाम था शीला, लेकिन ये पर्टिकुलर गाने के लिए आपने अपना नाम बदल लिया था. मैंने नहीं, डायरेक्टर साहब ने. बिल्कुल. एंड कल्याण जी, आनंद जी भाई, इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा गीत बनाया. एंड स्वर्गीय कंचन जी ने इस गीत को गाया. इनके कितने रीमिक्सेस हो चुके हैं. या डेफिनेटली, अभी भी लेटेस्ट वर्जन जो आया एक फिल्म में, शाहरुख खान साहब की फिल्म रईस में आया. तो ये जो आपने अधा छोड़ के रखी है, वो ता कयामत चलने वाली है, और लैला कभी मरने वाली नहीं है. मजनू मर जाएंगे. तो ये हो जाए. बिल्कुल. चलिए ड्रम बीट्स शुरू करते हैं. सुमित सरफरे. Oh,
ये जो गाना है लैला और लैला, ये फिल्म कुर्बानी के पहले शिफ्ट में इसकी शूटिंग हुई। तो हम लोगों ने जब शूटिंग शुरू किया तो वी शॉट फॉर दिस सॉन्ग, बट ये कुर्बानी के लिए नहीं था, ये कोई और फिल्म बन रही थी फिरोज खान साहब की, कहानी और थी, कुछ और ही था। तो फिर वो पूरा द होल थिंग गॉट चेंज्ड, वो पूरा कैंसिल हो चुका। थोड़ा वक्त लगा, फिर उन्होंने एक और कहानी लिखी, लेकिन वो गाना जिसने जो उन्होंने पिक्चराइज किया था वो अपने उन्होंने अपने नए फिल्म में डाल दिया। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ लैला और लैला। इट वाज नेवर फॉर कुर्बानी, इट वाज फॉर अनदर फिल्म, बट इट केम टू कुर्बानी। लेकिन आपकी तारीफ में गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में दो लाइनें कही थी, मेरे ख्याल से विठल भाई पटेल जी का लिखा हुआ गीत था। आनंद बख्शी साहब ने एक बहुत बेहतरीन गीत लिखा, एंड मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने गाया हुआ है, एंड फिल्म का नाम हाय 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 हाय। तो आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, समझे, आज चारों ओर जो है उजाला है चाँद का, एक चाँद मेरे साथ मेरे करीब बैठा है, और आज फिर से कोई दीवाना सवाल कर रहा है उस चांद से। तो भाई सुनते हैं रफ़ी साहब का गाया ये नगमा, जिसे पेश करने के लिए मैं धवल जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, शबाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, बस खुदाई मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ खयाम
की रुबाई, मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। जीनत जी, पंचमता यानी कि म्यूजिक क्रिएटर आर डी बर्मन साहब, जिन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से आपकी 24-25 फिल्में, 24 फिल्म्स एटलीस्ट 24 फिल्म पंचमदा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो, और ऐसे गीत बनाए जो बड़े ही यादगार हैं। लकी आर्टिस्ट। अच्छा, हर कोई जो है एक्टर उस जमाने के बहुत इम्प्रेस था आपसे, तो शमी साहब भी अपने आप को रोक नहीं सके शायद उस टाइम, उनकी हीरो की इमेज तो रही नहीं, लेकिन शायद वो भी आपको हीरोइन बना लेते, लेकिन उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें आपको हीरोइन लिया उन्होंने, एंड अगेंस्ट द लेजेंडरी एक्ट्रेस संजीव कुमार साहब, तो वो भी एक कमाल की मूवी रही। मनोरंजन वाज अ रीमेक ऑफ अरमला डूस, तो शमी जी बहुत म्यूजिकल थे। या His music in that film is absolutely lovely. और बहुत वो उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, तो शौकीन थे, म्यूजिकल थे, लाइक ऑल एक्टर्स हु बिकम डायरेक्टर्स बहुत पैशनेट थे, तो बहुत दिल से उन्होंने ये फिल्म बनाई जी। तो आइए इसी फिल्म का गाना हम लोग अपने जाने वालों को सुनाते हैं। मैं शैलजा जी से गुजारिश करूँगा कि मंच पर आएँ और आशा जी का ये बेमिसाल अंदाज आप सभी की नजर करें। Thank you.
थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. स्वर्धा कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स की ओर से ये शाम सच हुई हैं और आज हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही सुंदर अभिनेत्री जीनत अमान जी इस वक्त हमारे साथ कुछ यादें शेयर कर रही हैं. एंड ऑफकोर्स बड़ी ही रंगीन शाम बीतती जा रही हैं, लेकिन वक्त का भी तकाजा होता है. बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपकी खातिर. और आपको बताने में ये खुशी हो रही है कि ये जो कंसेप्ट बनाया है ये है मिस्टर विद्याधर जी जिनका ये कंसेप्ट रहा है. एंड ऑर्गेनाइजर है मिस्टर शैलेश देठे साहब जो इस वक्त विंग में खड़े हैं. सर थोड़ा आगे आएंगे प्लीज़. इतनी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है. और ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है स्वर्धा मुंबई जीनत जी ये शुरू हुआ है. मैं चाहता हूँ हमारे लोगों को कि स्वर्धा ने अब तक बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे शोज किए हैं और पंचमदा की शान में तो मेरे ख्याल से मैजिकल पंचम के तो बहुत सारे शोज हुए हैं सर. तो उन सारे शोज की झलकियाँ जो है या वो पूरा शो यहाँ तक कि आज हमारा ये शो भी वो देख पाएंगे, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी से थोड़ा सा अनुरोध करें हमारी ओर से ताकि लोग सब्सक्राइब करें स्वर्धा यूट्यूब चैनल. So what do you want me to say? Swarda YouTube channel ko subscribe kare. No, I'm not doing any endorsements. listen to him. If he says that you should see it, see it. Thank you. But I want to thank Shailesh ji and Vidyadhar ji. Honestly, आप लोगों ने जो ये महफिल सजाए यहाँ पे सारी पुरानी यादें हैं ना सब. It's all become fresh. Absolutely. It's so wonderful. Thank you so much. Thank you so much for having me and celebrating the work that I did for all those years. Maine kabhi socha nahi tha ki itne saal baad aisa mauka, you know, I would get. So thank you all as well. Aur jaise ki aaj humne ek show mein गीत पेश किया लता जी का, जिस गीत से हर महफिल की जो है शुरुआत होती है, हर प्रोग्राम की शुरुआत होती है, तो एक ऐसा गीत भी है जिस गीत से जो है महफिल वाइंड अप होती है, क्योंकि ये आखिरी में आता है और ये धमाल मस्ती कर देता है. और यही आज के शो का टाइटल भी है. और इसी गीत से आप रातों रात जो है ये जैनत जो है लोगों के दिलों तक पहुंची थी. लेकिन उससे पहले वो किस्सा हम जानना चाहेंगे, क्या आपको रियल चिलम दी थी, क्योंकि आप तो स्मोक नहीं करते. लेकिन सचमुच ऐसे ही हुआ था, क्योंकि देव साहब ऐसे यू नो एक्साइटेड एंड इन्वॉल्व डायरेक्टर थे, सारे हिप्पीज बैठे थे, हम आर्टिस्ट को बीच बीच में बिठा दिया और असली चिलम वाज बीइंग शेयर्ड और बस ही सेड आई डोंट जस्ट गो अहेड एक्शन फिनिश. वी वर ऑल सो हाई. तो हुआ क्या जब बारी बारी आपके पास आई तो या व्हाट टू डू, तो खांसने लगे आप इमीडिएट. फिर शो का सीन कट नहीं, कंटिन्यू हुआ सीन. तो आज वो धमाल मस्ती जो है, वो जो पंचमदा का म्यूजिक एंड आशा जी का अंदाज एंड उषा उतुप जी का वो अंदाज आज लोगों की खिदमत में पेश होने जा रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर एक बार शैलजा सुब्रमण्यम, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए. यू संग सो अमेजिंगली दिस इवनिंग, थैंक यू सो मच. Mm-hmm.
Wow. Dinesh ji, aap hai industry ke hamare bahut hi pyare rhythmist and music arranger, Mr. Anupam Ghatak ji. Amazing, amazing, absolutely amazing, lovely. वो कहते हैं ना, जीनत शब्द का अर्थ यही है कि ऐसा कोई शख्स जो महफिल में मौजूद रहे और उससे महफिल की रौनक बढ़े, उसे जीनत कहते हैं. और आज आप आई, इस शाम की रौनक बढ़ाई, आपका कीमती समय दिया, बहुत सारी यादें हमारे साथ शेयर की. इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए. इतनी खुशियां तो आपने दी हैं अपने स्क्रीन पर आकर, जो अपने अलग अलग भूमिकाओं के साथ जो ये सिलसिला जारी रखा है. और हमारी दुआ है आपके साथ कि और भी ये सिलसिला जारी रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ वेब सीरीज आपकी आने वाली हैं. तो विनायक, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स थ्रू आउट दिस इवनिंग. ऑल ऑफ यू हैव मेड मी फील सो स्पेशल, यू नो, कि अ होल इवनिंग डेडिकेटेड टू ऑल माय सॉन्ग्स. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल योर टैलेंट. Thank you for your talent. Thank you. I'm going to take your leave now. So please enjoy the rest of the evening. It was lovely to spend this time with you. Thank you. Thank you so much. पर हो रहा है ये मध्यांतर, और मध्यांतर के बाद फिर एक बार हम सभी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे. कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ. धन्यवाद.